नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मेरा नाम है ऋतिक और ये वाला जो वीडियो होने वाला है कोंडवा के बारे में होना है। कोंडवा का अमेजिंग अमेजिंग ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड सब कुछ होने वाला है, डिटेल वाला। और अभी हम है कौसरबाग मस्जिद के एकदम अपोजिट में, यहाँ से हम इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो के अंदर आपको जो यहाँ के रॉयल बहुत सारे 50 साल या 60 साल या 30 साल जितने ऑथेंटिक प्लेसेस हैं ना, जहाँ पे आप अच्छे से नॉनवेज इंजॉय कर सकते हैं, वो देखने मिलेगा। चलते हैं फर्स्ट लोकेशन पे। तो जो हम फर्स्ट लोकेशन पे आए हैं उसका नाम है कैफे इंडिया। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है मस्जिद के पास में और इनकी मेन आउटलेट है NIBM में। तो चलते हैं इनके इंटीरियर में, देखते हैं क्या क्या है। डाइनिंग एरिया में भी चलते हैं। और यहाँ का जब मैंने कुछ चीज़ें सुनी थी तो उसमें से मेरे को ये पता चला कि इनका जो चाय है ईरानी चाय बहुत फेमस है और इनका बन मस्क। तो हम जो नेक्स्ट लोकेशन पे आए हैं वो है अफगानी फूड पॉइंट। आपको यहाँ पे जितना कुछ अफगानी वाला खाना खाना होगा ना, वो सब मिलेगा यहाँ पे। इतने सारे टिक्के, चिकन टिक्का है, अफगानी टिक्का है, बहुत कुछ टिक्के। और इधर आओगे तो इनका USP दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के ब्रेड्स में आपको मिलेंगे। नान देखना, इतनी बड़ी नान है यहाँ। इतना मेरा हाथ तो इतना कवर हो जाएगा, इतनी बड़ी नान है, इतना हाथ भर नान है। और ब्रेड्स में छोटे छोटे ब्रेड्स में भी ऑप्शन है, वहाँ पराठे में भी ऑप्शन है, बहुत कुछ है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो पूरी लोकेशन है ना, इट इज़ फेमस फॉर दिस नान ओनली। ऐसे नान आपको पूरे पुणे में देखने नहीं मिलेंगे, वो आपको यही देखने मिलेंगे अफगानी फूड पॉइंट कोंडवा पुणे के अंदर। अच्छा, बेकर्स पॉइंट। टाइमिंग क्या होता है अभी करेंटली? सुबह 9:30 से चालू होता है और रात को 11:30 तक। रात को 11:30 तक और कंटिन्यूस है ऑर्डर चल रहा है। यहाँ पे 5 नान निकाल लिए भैया ने और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है बाबा। और पूरा हाई फ्लेम पे एकदम कंटिन्यूस काम चल ही रहा है, ऐसा दिन भर चलते रहता है। बाप रे, अभी क्या, अभी तो 10 नान निकाल डाले सिर्फ 10 मिनट में। तो आप क्रेज और आप लेवल देख सकते हो कि क्या है भैया। शॉप कितने सालों से ये रन कर रहे हैं? NIBM पे 4 साल हो गए। NIBM के अंदर 4 साल हो गए। और ये इंडस्ट्री में आप कितने साल से कर रहे हो काम? ये तो हमारा पुरखों का काम है, पुरखों का, मतलब परदादा का। परदादा है, उसका नाम है आगरा बाइट्स। और आगरा बाइट्स में हम अल्फाम खाने वाले, अरबाज भैया पेरी पेरी वाला ना, पेरी पेरी वाला अल्फाम खाने वाले। और हमारी जो लास्ट लोकेशन थी ना, उसका एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड इन द प्रस्पेक्टिव ऑफ, मेरे को बन मस्क का भी चाय बहुत सही लगा था सभी के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे देखते क्या, इतनी ह्यूज वैरायटी है यहाँ पे। बर्गर मील्स भी है, हॉट कॉम्बो मिक्स ऑफर भी है, बट हम जो चीज खाने आए वो ये है और ये है। बट इसमें से दोनों में से मैं ये चूज करूंगा। पेरी पेरी मतलब थोड़ा चटपटा नहीं है, फ्लेवर टैंगीनेस वगैरह ज्यादा खाने मिलेगा। तो देखते हैं कैसे बनता है और फिर टेस्ट। डिस्कशन होने के बाद हमारा ये कन्वर्जन, मतलब फाइनल पॉइंट पे आए थे कि हम रेगुलर वाला अल्फाम ट्राई करते हैं, क्योंकि पेरी पेरी वाला अल्फाम बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो साथ में हमने चटनी ले ली है, जो अल्फाम की स्पेशली चटनी है, ये भी तीखी होती है। और ये देखो, दो पीसेस आते हैं और नीचे रोटी आती है और साथ ही साथ बीटरूट और मेयो। Thank you.
मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अल्फाम खा रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ फुल बर्ड खाया था, तंदूरी चिकन वगैरह खाया था और मेरा मैक्सिममली सिजलर्स में इंटरेस्ट था, बट कि ऐसा कुछ नया एक्सपीरियंस सिर्फ अरबाज भैया के कारण ही हो पा रहा है। तो रियली थैंक यू, मतलब कैमरा के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, अरबाज भैया आप जो घुमा रहे हो कोंडवा बहुत सही लगा। और भैया का ऐसा बोलना था कि अगर ये नॉर्मली चटनी जितना ज़्यादा तुम खाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें तीखा लगेगा, तो नॉर्मली है भाई स्पाइसीनेस फ्लेवर तो है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस 10 में से 9.5। तो हम जो थर्ड लोकेशन पे आए ना वहाँ पे हम आपको फिश की वैरायटी दिखाने वाले। कोंडवा के अंदर आपको इतनी ज़्यादा यूज फिर फिश की वैरायटी मिलेगी और असल कोकणी वाइब्स येणार पुण्यात असल्या असल्या। आणि मी तुम्हाला सांगायला जाऊ की हा जो आपला कोंडवा आहे ना इथं तुम्हाला हर एक व्हरायटीचा फूड भेटेल, मटनपासून चिकनपासून फिशपासून बीफ पण भेटतो, बट बीफ दाखवणार नाही आम्ही, तीनच व्हरायटी दाखवू शकतो। आता बघू आपण स्पेशल बिग वन। आणि दादा आपल्याकडे काय काय आहे व्हरायटीमध्ये? आपल्याकडे आता सी फूड आहे। सी फूडमध्ये काय फूड आहे? सी फूडमध्ये पॉस्टिक, एक मिनिट आलो, देखो क्या क्या करना पड़ता है, इधर घूमो उधर घूमो व्लॉगिंग के लिए, बताओ अभी क्या क्या है अपने कड़े। प्रॉन्स स्टीक है, प्रॉन्स स्टीक है अपने पास, उसके अलावा बांगड़ा बासा, हाँ अपने विदर्भातली चिलापी है, विदर्भातली चिला पण आहे, अरे वाह पण आहे अपने कड़े, बांगड़ा बॉम्बेडक, हाँ पापलेट पण आहे, पापलेट पण आहे, सुरमई पण आहे, सुरमई पण आहे, सुरमई पण आहे। सुरमई बहुत कम जगह मिलती है और वो भी स्ट्रीट्स पे बताना चाहता हूँ, रेस्टोरेंट सी फूड रेस्टोरेंट में तो डेफिनेटली भेट। काय प्राइसिंग है आणि किती पर्यंत शेवट है? तशी प्राइस बोललो तर हे बॉम्बेडक आहेत, हाँ बॉम्बेडक, एका प्लेट मध्ये असे दोन भेटतात, दो आएंगे एका प्लेट मध्ये, हाँ एकाची एका प्लेटची प्राइस 40 रुपये, 40 रुपये हाँ। बांगडा हा मोठा बांगडा 40 रुपयाला, हाँ हे आपली चिलापी 300 ग्राम साइजचा एक मासा आहे, हाँ याची प्राइस फक्त 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये। हा रो फिश आहे, रो फिश, फ्रेश वॉटर वाला फिश, हाँ हा बासा, बासा बासा साधारण तुम्ही रेस्टॉरंट मध्ये खायला गेले तर तो फ्रोझन असतो, ओके आपल्या पैसे आहे तो फ्रेश वाला आहे, रोजच्या रोज मागवता रोज डेली। तो इनका एक यूएसपी ये लगा की ये डेली के डेली बुला रहे हो और ये फ्रीज करके डी फ्रीज रख रहे नहीं है, नहीं रख रहे। आणि बरोबर ते शेवटची जी मच्छी आहे ते कोणती? बांगडा आहे, मोठा वाला बांगडा, मोठा वाला बांगडा, म्हणजे छोटा वाला बांगडा पण आहे आणि मोठा वाला बांगडा पण आहे, बांगड्याची दोन क्वालिटीज आहेत, हा हे आहे आपली प्रॉन्स स्टिक, प्रॉन्स स्टिक म्हणजे प्रॉन्स पण ठेवलाय, म्हणजे आपल्याकडे फिश तर भेटत आहे सोबत प्रॉन्स, प्रॉन्स स्टिक, अच्छा प्रॉन्स स्टिकची प्राइस 80 रुपये, 80 रुपये एका स्टिक मध्ये 5 प्रॉन्स असतात, म्हणजे आपल्याकडे 40 रुपये पासून चालू होतो आणि किती रुपये पर्यंत? 80 रुपये पर्यंत एंड, ओके 80 रुपये मध्ये तुम्हाला कमीत कमी 7-8 क्वालिटी असे भेटतात तुम्हाला। तर आम्हाला तुम्ही काय सजेस्ट कराल की काय ट्राय करू? तुम्हाला ट्राय करण्याकरता एक सगळ्यात पहिला बांगडा, हा जर सी फूड खाता तुम्ही तर बांगडा, आम्हाला विदाउट काटेवाला सांगा जे काय, बासा फिश, बासा फिश तुम्हाला एक सेंटर बोन तुम्हाला त्यामध्ये भेटणार, हा आणि टेस्टला ते सुरमई पेक्षा पण भारी, ओके सगळ्यात भारी, ठीक आहे। तर एक ते करा आमच्यासाठी। वास आणि सुगंध एक नंबर दिसतोय आणि कलर एक नंबर दिसतोय, बट मला एवढा जाणायचं आहे का तेल कोणतं? हे तेल राईस ब्रँड ऑइल आहे। अच्छा हे राईस ब्रँड ऑइल, अच्छा हे वापरतो आपण, हे साधारण तर शक्यतो 190 रुपये किलो तेल आहे, हा आज लोकांना जर खायचं म्हणलं तर पब्लिकला सगळ्यात महत्वाचा तेलचा विषय येतो, बरोबर आज लोकांना पब्लिक कोणतं तेल वापरतो, बरोबर आज साधारण आपण हे तेल वापरतो मग जेणेकरून कोण वापरत नाहीये तसं ते आपण वापरतो, कारण आज काहीतरी करायचं थोडं चांगलं करायचं, 190 रुपये किलो तेल, आणि हे तेल आहे ना वन डे यूज आहे, म्हणजे री नाही यूज करत, नाही ये पॉइंट किंवा यूएसपी दुसरा आहे, हे रिटर्न नाही यूज, म्हणजे आज हे यूज करायचं संध्याकाळी हे फेकून द्यायचं, फेकून द्यायचं, ह्याला वापस एंट्री नाही येते। अरे वा, तर मला एकदा पुन्हा सांगू शकता आपल्याकडे किती किती व्हरायटी आहे फिश मध्ये? फिश मध्ये सी फूड व्हरायटी म्हणतो तो टोटल इनके पास ना 8 प्रकार की सी फूड व्हरायटी आहे, और ये वाला जो हमने फिश लिया इसके अंदर 5 पीस आते और असल कोकणी वाइब्स येत आहे कारण पानात दिलाय। एक सेंट्रल बोन दिख रहा है बस ये, सही लगा भाई, सही लगा, मजा आया खा के।
आप सभी को जैसे जानते हो कि ये कोंडवा वाला वीडियो चल रहा है और कोंडवा में आया और अरेबियन बाइट्स नहीं आए तो फिर यार क्या हो गया। और शॉर्मा इज लाइक की जान ऑफ कोंडवा और अरेबियन बाइट्स इज हेवन फॉर शॉर्मा। तो इसके पहले भी अपन ने बनाया है यहाँ के शॉर्मा का वीडियो, यहाँ पे एक चल रहा है, यहाँ पे दूसरा चल रहा है, तीसरा वाला खत्म हो चुका है। और ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे वो पीछे वाला ये देख रहे हो आप पूरा डेस्क कंटिन्यूस वहाँ शॉर्मा बनते रहते, यहाँ पे भी बनते रहते, उधर भी बन रहे, फलाफल मिलता है इनके पास, अरेबियन शॉर्मा मिलता है, अभी इन्होंने कॉफ़ी भी चालू कर दी है उधर। और यहाँ पे एक USP बताता हूँ क्या है, यहाँ पे बकलावा भी मिलता है। बकलावा बहुत कम लोग सर्व करते हैं पुणे में, एंड वन ऑफ दैट की अरेबियन बाइट के पास बकलावा है। तो देखते हैं कितने शॉर्मा बन रहे और फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पे दो रॉड लगे पूरे शॉर्मा के और ये तो एक पूरा फुलफिल बचा है और ये आधा खत्म हो चुका है और तीसरा वाला भी पूरा खत्म हो चुका है। यहाँ पे तो शॉर्मा का क्रेज तो बहुत नेक्स्ट लेवल है, बट साथ ही साथ यहाँ पे वेज में फलाफल भी है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सब्बा फलाफल भी मिलता है जिसके अंदर एग जाता है। तो उधर एग की कटिंग हो रही है और ये डाला गया अच्छे से यहाँ पे सब्बा फलाफल, क्लास प्रेजेंटेशन क्लास। भैया फलाफल में कितने टाइप है, सब्बा और रेगुलर फलाफल के अलावा? दो ही है, दो ही फलाफल है मेन। अच्छा अच्छा कूडो स्पाइसी फलाफल भी है, अच्छा वो अलग है। तो आप देख सकते हो हमारा पूरा अच्छे से पूरा टेबल सज चुका है। यहाँ पे थोड़ा कैमरा थोड़ा साइड रख देते हैं, यूट्यूब वीडियो चल रहा है। यहाँ पे हमने साथ में साथ डेजर्ट के लिए बकलावा लिया है और ये हमारा एक पूरा शॉर्मा है, उसको 1/2 कर दिया। और देखो साइज देखना, साइज पूरा हाथ ऐसा भर जा रहा है। अनरैप करते हैं, लेते हैं फर्स्ट बाइट। रुमाली रोटी है, मेयो है, दो सॉसेस है, उसके बाद एक थोड़े से ऐसे फ्रेंच फ्राइज डाले गए और इनका जो चिकन है वो। अरेबिक शॉर्मा में ना ये बाप है भाई, बाप। ये पुणे में ना ऑथेंटिसिटी में जो अरेबिक चीजें देते हैं ना, इनके पास फोटो शॉर्मा वगैरह भी है, मीनू फोटो भी है, बाकी कुछ फलाफल वगैरह भी है, बट कभी भी ना सबसे बवाल यही लगता है ये वाला। और दूसरे नंबर पे एक स्पाइसी कूटो है, वो तीखे में, ये थोड़ा मीठे में, मज़ा है भाई। ओवरऑल रेटिंग ऑफ शॉर्मा इस 10 में से 9, आखिरी में स्वीट बकलावा। मज़ा आया भाई, आपसे मिलता हूँ कुछ दिनों में हट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।